गुड मॉर्निंग नमस्कार मैं मधुलिका और आप देख सकते हो मैं लोग कहीं गई थी तो इसका फुल वीडियो आपको हमारे फर्स्ट चैनल में देखने को मिलेगा जिसका नाम है मधुलिका यूपी आर बी एल उसमें देखने को मिलेगा और मैं हूँ मधुलिका और इस चैनल का नाम है मधुलिका यूपी ब्लॉगर तो दोस्तों आप देख सकते हो भाई ठंड का सीजन है तो हमें कुछ ऐसा खाना चाहिए जो अच्छा भी हो और हेल्दी भी हो तो मैंने सोचा क्या करें बच्चों के लिए बनाते हैं पनीर का पराठा तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बना रही हूँ पनीर का पराठा जो कि मेरे बेटे को बहुत 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 पसंद अच्छी बात है कि मेरे दोनों बच्चों को पनीर का पराठा और फिर पनीर का पराठा बच्च, बच्चों को ना पसंद हो फिर को बच्चे बहुत चाव से खाते हैं और पनीर के पराठे के साथ फिर अचार ना हो तो फिर क्या मज़ा तो बिट्टू तो पनीर के पराठे के साथ लेके गए हैं अचार और बिट्टू को बिट्टू को भी मैंने अचार भी दिया था बिट्टू भी हमारी अचार के लिए बहुत ज़्यादा पता है जब मैं भी छोटी थी तो अचार बहुत खाती आप लोग अचार खाते हैं कि नहीं छोटे में भी और अब भी पता है मुझे डॉक्टर भी कई बार बोल चुके हैं अचार मत खाओ मगर अचार की वाओ खुशबू ऐसे जब अचार होता आहा खट्टा खट्टा ऐसे लगता है कि क्या करूँ पूरा ऐसे डिब्बा ही खा जाऊँ वाओ अचार के आगे क्या शाही पनीर फेल है इतना अच्छा लगता है वाकई मैं दोस्तों तो आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएगा और यहाँ पे बन गए मेरे गर्मा गर्म, गर्म पराठे तो आज ये पनीर के पराठे हेल्दी हेल्दी खाते हैं और दोस्तों फिर उसके बाद बच्चों को देखो हमारे लेडीज़ों के पास बहुत सारे काम घर की साफ सफाई सब कुछ किसको करना होता सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों को बच्चों को देखना हस्बैंड को देखना प्लस घर की साफ़ सफाई देखना घर मेंटेन करना घर में क्या है क्या नहीं है घर में हर एक चीज़ होनी चाहिए घर में और बच्चों की पढ़ाई को लेके देखना सब कुछ किसको देखना हमें तो भाई ठंड हो या गर्मी अगर घर की फर्श न साफ़ हो तो घर घर नहीं लगता एक औरत ही घर को चमका सकती है तो फिर मैंने भी कहा चलो शुरू कर दे तो मैंने लगा दिए हैं कमरे में पोछा और साथ में मैंने ठंड के सीजन में फ़ैन भी चालू कर दिया और दोस्तों इस समय हमारे यहाँ दो दिन से लगातार बारिश हो रही है बारिश खूब तेज़ी वाली नहीं हो रही बूंदा बांदी हो रही और आज की डेट है आज सात दिसंबर है और दोस्तों ये वीडियो देख सकते हो पराठा तो मैंने नाश्ते में बनाया था फिर ये अब भाई पराठा बन गए हैं पेट पूजा हो गई उसके बाद अब दोपहर का खाना भी तो ज़रूरी है है कि नहीं जरूरी खाना तो दोपहर का खाना भी जरूरी है इसके लिए दोस्तों मैंने गुद रही हूँ तो यह मैंने कहा चलो पहले आटे को चाल लेती हूँ फिर उसके बाद गूंथती हूँ तो पहले मैंने छन्नी से इसको छान लिया आटे को और फिर इसको गूँद के रख दूँगी और बाकी फिर नहाना धोना यह सब होगा तब तक मेरा जो आटा है थोड़ी देर फूल जाएगा और कहते हैं जब तक आटा थोड़ा फूले ना तो फिर रोटियां नरम नरम कैसे निकलेंगी और फिर जब रोटियां नरम नरम नहीं होंगी तो फिर हमारे पेट में कैसे जाएंगी बताइए आप ही तो ये शरीर को स्वस्थ करना है और अच्छा खाना खाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा हमें रोटियों कहते हैं कभी कभी क्या होता कि हम लोगों को भूख नहीं होती बट खाना देख के मन खुश हो जाता है तो इसके लिए दोस्तों हमें रखना है मतलब मैंने कहा चलो आटे को गूद के रख देती और हाँ दोस्तों करती हूँ एक छोटी सी अपील आई हो बाप लोग पूछ मेरी अपील को पूरा कर देंगे पूरा पूरा पूरा, पूरा कर देंगे तो दोस्तों अगर आप इसे समय हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और मेरी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ 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 प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए जैसे मैं कोई नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और हाँ तो सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा हुआ है रेड कलर का उसको क्लिक करेंगे तो वो उसमें सब्सक्राइब का हो जाएगा और फिर ऑल पे जाएंगे तो वहाँ पे सबसे नीचे ऑल लिखा होगा या सबसे ऊपर होगा तो उसको क्लिक कर देंगे तो फिर ऑल पे तो मेरी वीडियो हमेशा आपके पास पहुँचती रहेंगी तो फिर दोस्तों यहाँ पे मैं आटा वगैरह तो गूद के रख दी हूँ टकी को बंद कर दूँगी भाई टकी को खोला है तो बंद कौन करेगा मैं ही और फिर उसके साथ में सफाई भी कौन कर? करेगा मैं ही तो करूँगी तो दोस्तों यहाँ पे जो भी था आटा वगैरह उसको मैंने निकाल दिया है तो, तो बेटू स्कूल गए और बिट्टो रानी मेरी ये देखो सो रही अभी गुड़िया रानी अभी इनको मैंने जगाया नहीं इनको भी अभी जगाऊंगी और काम तो बहुत ज्यादा है साढ़े छः बज गए बेटू लेट हो गए जल्दी 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 बच्चे जल्दी जगते नहीं अब बताओ छः बजे जागेंगे आधे घंटे के अंदर नहाना धोना तैयार होना खाना पीना इसी में सब लग जाता तो चलिए दोस्तों ब्लॉक में बने रहिएगा ब्लॉक का आनंद लीजिए मैं मिलती हूँ कुछ देर बाद तो दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा रही थी बेटू स्कूल गए हैं उसके बावजूद देखो बेटू बारिश में गए हैं बिटू मेरी अभी शो रही है मौसम कितना खराब है हमारे यहाँ एकदम गंदा सा मौसम होके रखा हुआ बारिश हो रही है लिख रही चा छा जा झा ईया और चाह देखो कितना प्यारा कितना क्यूटी बना रही है देखो चा बनाई है बिट्टू ने मेरी बिट्टू बहुत ही प्यारा लिखती है और बहुत जल्द हम लोग ये मंदिर चेंज करने वाले हैं न्यू ईयर में इसको मैं चेंज कर दूंगी और क्योंकि बिट्टू कह रहे टी वी भी और देख सकते हो ये कपड़े देखो बिट्टू ने ऐसे फैला दिए अभी मुझे उठा के रखना है और बिट्टू आई तो बोली मुझे तरबूज खाना है तो सबसे पहले इनको मैंने तरबूज काट के दिया और देखो चीटियाँ इतनी ज़्यादा हो गई और कहते हैं कटा हुआ फल फ्रिज में रखना नहीं मतलब तरबूज को नहीं रखना चाहिए जिसकी वजह से मैंने रखा नहीं है इसको तो ये सारा बन मैं उठा लेती हूँ हाँ पॉइजन बन जाता है हाँ, इसीलिए बिट्टू मेरी सब जानती है बिट्टू को बॉटल है और बिट्टू गाँव गई थी तो क्या की है पैसे लेके निपुल आई थी हम कहे थे इस बार और यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा मैंने कहा चलो दूध को बॉयल करके रख देती रहो शांति बनाओ और यहाँ पे आज मैंने खाने में क्या बनाया था ज़्यादा कुछ बनाया नहीं क्योंकि मेरा पेट दुख रहा था तो मैंने बनाई थी सब्जी और यहाँ पे बस रोटियाँ और कुछ नहीं और इन लोग के लिए दलिया बनाए थे नाश्ते में ये देखो चावल वगैरह सब मैं निकाल के रखी थी रात में मगर मैंने बनाया ही नहीं और बाकी जो पेंडिंग काम है उसको मैं करती हूँ और अभी मुझे ये बिस्तर बिस्तर क्या है कपड़े भिटू ने जो गिराए और फिर उसके बाद ये सब फोल्ड करके रख तो हम आ गए घर बिट्टू भी आ गई हैं और बिट्टू आते ही इनका उतार के बस फेंकना शुरू और दोस्तों बिट्टू ने कटाए बाल अपने दिखाओ हाँ, दिखा हाँ। कैसे लग रहे हैं सेब में है और सेब लग रहे हैं कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा फिलहाल मुझे तो मैं ज्यादा खुश नहीं हूँ मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा था मगर वो बोल रही कि बाल कट पालर में थे। हाँ पार्लर में गए थे कह मैं पार्लर में क्योंकि बाल कटने के दो तीन दिन बाद ही जब बाल सेट हो जाते तब सही से समझ में आता कि कौन सी कटिंग है तो इसके वजह से इसको पहने ना बाबू आते ही सब निकाल उसको पहन के रखो पहन के रखो मेरी बात उसको पहन के रखो नीचे का उतारो नीचे का, हाँ, नीचे का। मानती नहीं दोस्तों आते ही ऐसे ही परेशान करने लगती है तो चलो दोस्तों मिलती हूँ कुछ देर बाद और ये देखो लाओ चलो दो इधर इधर मेरी तरफ घूम बैठ जाओ बैठो बहुत तंग करती तंगा महारानी तंगा महारानी इनको कहते हैं खुल गया अच्छा नहीं अच्छी हो तंगा कैसे तो मारती है मुझे बताओ दोस्तों मम्मी को मारती है कोई बच्चे होगा जो अपनी मम्मी को मारेगा बताओ क्यों चलिए दोस्तों मिलती हूँ कुछ देर बाद अब इसको रहू। नहीं गर्मी नहीं इसको पहने रहो तो चलो दोस्तों मिलते हैं कुछ देर बाद नहीं, और चला दूंगी। नहीं फैन नहीं चलेगा और बाहर बारिश हो रही है और साथ में इतना ठंड है और इनको लगी गर्मी करें मैं फैन चला दूंगी अच्छा ला खुजली कर दे पसीना बहुत ज्यादा है बादाम खाती हो ना इसीलिए पूरा पसीना से भरा हुआ कर चलो अच्छा निकाल दो चलो दोस्तों मिलती हूँ कुछ देर बाद